हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जयमा व्लॉग एंड कुकिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं भरवा भिंडी और मसाला भिंडी, तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे भरवा भिंडी, सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाया है। सो इसी तरह से हम लोग भरवा भिंडी बनाने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पैन में मैंने देखी पीनट ऐड कर लिया। हम लोग उसे रोस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लेने के बाद हम लोग हमारी भिंडी को वॉश करके कट कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो उसका अपर पार्ट है मैं उसे किस तरह से कट कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से इसे कट कर लेना है। सो चलिए, मैं सभी भिंडी को इसी तरह से कट कर लूँगी। आफ्टर दैट, जो हमारी भिंडी है उसे हम लोग क्लीन क्लोथ से साफ़ कर लेंगे। सो चलिए, मैं साफ़ कर लेती हूँ। सो चलिए, मैं इसे क्लीन कर लूँगी। क्लीन कर लेने के बाद जो हमारा भिंडी है उसे हम लोग देखिए इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। सो आपको भी सभी भिंडी को इसी तरह से बीच में से कट कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं किस तरह से भिंडी को कट कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से सभी भिंडी को कट कर लेना है। सो चलिए, मैं सभी भिंडी को इसी तरह से कट कर लूँगी। भिंडी को इसी तरह से कट कर लेने के बाद अब हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम लोग मिश्रण बना लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 टीस्पून ऑफ पीनट ले लिया है इधर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें ग्राइंड कर लिया हुआ पीनट ऐड कर लेंगे, जो मैंने 3 बिग टीस्पून यहाँ पे पीनट ऐड कर लिया है। पीनट ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने 2 बिग टीस्पून ऑफ बेसन ऐड कर लिया है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर लिया है। बेसन ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। सो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें कौन कौन से मसाले ऐड कर लेने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखिए इसमें नमक ऐड कर लेंगे। सो आप नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर लिया है। सॉल्ट ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है इसमें। सो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने हल्दी, गरम मसाला ऐड कर लिया है। गरम मसाले के बाद हम लोगों को यहाँ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करके इसे मिक्स कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सो आपको भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। हरा धनिया ऐड कर लेंगे हम लोग, और इसे देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सो हमारा मिक्सचर रेडी है। मिक्सचर हमारा रेडी हो जाने के बाद अब हम जो भिंडी हम लोगों ने कट करके रखा था उसके अंदर ये मिश्रण हम लोग स्टफ़ कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं किस तरह से स्टफ़ कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से भिंडी के अंदर जो हमारा मिक्सचर होगा उसे स्टफ़ कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं किस तरह से इसे स्टफ़ कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसे कर लीजिए। सो हमारा ये रेडी है। आफ्टर दैट हम लोग एक वेसल ले लेंगे जिसमें हमें देखिए ऑयल पुट कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने 1 बिग टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड कर लेने के बाद जो हमारे भिंडी जो हम लोगों ने रेडी किए थे स्टफिंग के साथ, उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग इसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राई कर लेंगे। सो चलिए, मैं सभी भिंडी को फ्राई कर लूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे किस तरह से फ्राई कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेना है इसे। सो आप देखिए ये वीडियो, मैं इसे किस तरह से फ्राई कर रही हूँ।
रेडी हो गया है। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मसाला भिंडी बनाना। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने ऑयल गरम करने को रख दिया है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑयल गरम कर लेते हैं। सो जैसे ही आपका ऑयल गरम हो जाए मैं उसमें भिंडी ऐड कर लूँगी। सो जैसे कि देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैं अभी भिंडी ऐड कर लूँगी। सो मैंने भिंडी को ऑलरेडी कट करके रख दिया था। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्मॉल पीसेस में भिंडी को कट कर लिया है मीडियम साइज़। तो अब मैं इसमें भिंडी को ऐड कर लूँगी और जस्ट हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे तेल में। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ, आप भी सेम इसी तरह से इसे फ्राई कर लीजिए। जीरा ऐड कर लिया है। जीरा ऐड कर लेने के बाद अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मिक्स कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड कर लेंगे। सो मैंने ऑलरेडी प्यूरी रेडी कर लिया था। सो अब भी रेडी कर लेना और फिर जाके हम लोग इसमें प्यूरी ऐड कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने प्यूरी इसमें ऐड कर ली है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स कर लेती हूँ। सो गाइस जो टोमेटो की प्यूरी थी मैंने वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो हमारे टोमेटो की प्यूरी है उसका कलर भी आप देख सकते होंगे चेंज हो गया है। सो चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सो चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च ऐड कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। रेड चिली पाउडर के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लिया है। कोरिएंडर के बाद मैंने इसमें गरम मसाला कर लिया है। गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। नमक ऐड कर लेने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कोरिएंडर ऐड कर लेना है, देन हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब भी मिक्स कर लेना। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें प्यूरी ऐड कर लेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मिक्सचर बना लिया था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने जब हम लोग भरवा भिंडी बना रहे थे जो उसमें हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया था वो मेरा बच गया, तो उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया और उसकी प्यूरी रेडी कर ली है। सो अब हम उसमें वो प्यूरी ऐड कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो प्यूरी रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। प्यूरी ऐड कर लेने के बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। देन हमें इसमें भिंडी ऐड कर लेनी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फ्राई कर लिया था। सो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लूँगी एंड इसे मिक्स कर लूँगी। आफ्टर दैट हम लोग इसमें भिंडी ऐड कर लेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फ्राई किया था ऑयल में। आपको भिंडी इसमें ऐड कर लेनी है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से रेडी हो गया है ये। अब हम उसमें भिंडी ऐड कर लेंगे। सो चलिए मैं भिंडी को ऐड कर लूँगी और फिर
जो हमारा मिक्सर है उससे और भिंडी को मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा मसाला बैंगन था वो रेडी हो गया है। सो चलिए अब हम लोग इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। सो गाइज, हमारा मसाला भिंडी की रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।